मध्य प्रदेश के इंदौर के ग्राम पिगडंबर में भंडारा चल रहा है। भंडारा मनोज सिंह ठाकुर मित्र मंडल द्वारा चलाया जा रहा है। हुआ यूं कि भंडारे में जब यात्रियों को रुकवाकर भोजन करवाया जा रहा था, उसी दौरान बस में से एक परिवार ने बताया कि उसके साथ एक प्रेग्नेंट महिला है। हम यहीं रुकना चाहते हैं, लेकिन बस ड्राइवर हमें रुकने नहीं दे रहा। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह ठाकुर ने ड्राइवर और एसडीएम प्रतुल सिन्हा से बात की। प्रतुल सिन्हा के निर्देशानुसार मनोज सिंह ठाकुर ने बस ड्राइवर को लिखित में कहा कि यहां एक ही परिवार के 8 व्यक्ति भंडारे की जगह उतर रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो महिला है वह प्रेग्नेंट है और उन्हें प्रेग्नेंसी का दर्द हो रहा है। बस को रवाना किया, उसके बाद 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। इसी दौरान महिला को ज्यादा दर्द होने लगा और फिर मनोज सिंह ठाकुर ने न्यू मिनेश हॉस्पिटल के डॉक्टर गोपाल गोयल को कॉल की। तुरंत डॉक्टर और स्टाफ को बुलाया गया। भंडारा स्थल पर ही महिला की डिलीवरी हो गई, लड़के ने जन्म लिया। खुशी की बात है कि रास्ते चलते डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर एम्बुलेंस से न्यू मिनेश हॉस्पिटल आया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार बच्चे और माँ को दिया जा रहा है। माँ और बच्चे के लिए कपड़े और जरूरी सामान भी मनोज सिंह ठाकुर ने अपने घर से मंगवाया। बताते चले कि महिला का नाम कोमल बाई विश्वकर्मा है और यह महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। आज हमारे भंडारे में एक बहुत ही खुशी की लहर सी आई, एक बड़ी खुशी आई। हम लगातार 14 दिन से भंडारा चला रहे हैं, रोजाना लोगों की सेवा कर रहे हैं और आज एक ऐसा मौका हमें मिला सेवा करने का। एक महिला का परिवार महाराष्ट्र से यूपी के लिए जा रहा था, हमने जब भोजन के लिए उन्हें रोका तो उस परिवार ने हमें बताया कि ड्राइवर हमें यहाँ रुकने नहीं दे रहा है। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ जो हमारी बहू है वो डिलीवरी पेशेंट है और हो सकता है उसकी डिलीवरी जल्दी हो। मैंने तुरंत एसडीएम साहब को बात किया, एसडीएम साहब ने मुझे जैसा निर्देश दिया मैंने ड्राइवर को लिख के दिया कि ये 8 व्यक्ति यहाँ रुकना चाहते हैं। हमने उन लोगों को रोका और महिला से बात की, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहे थे। इसी दौरान डॉक्टर गोपाल गोयल को मिनेश हॉस्पिटल को हमने कॉल किया, वहाँ से एम्बुलेंस बुलवाई और उसके साथ ही 108 पे भी कॉल किया। 108 की एम्बुलेंस समय पर पहुँची नहीं, डॉक्टर साहब की एम्बुलेंस पूरी टीम के साथ हमारे पास पहुँची, जब तक वहाँ पर डिलीवरी हो चुकी थी। और उसके बाद एम्बुलेंस के साथ ही हमारी राष्ट्रीय मैडम जो हमारे हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र पिगडंबर में है वहाँ से बुलवा ली गई थी। सभी ने मिलकर प्राथमिक उपचार दिया, उसके पश्चात वहाँ पर लड़के ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हम मिनेश हॉस्पिटल माँ और बेटे को लेकर पहुँचे, वो दोनों भी यहाँ पर स्वस्थ हैं। और कल सुबह डॉक्टर साहब से बात हुई अभी कि उन्होंने बताया कल सुबह उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उन्होंने यूपी के लिए रवाना कर दिया जाएगा। सेवा की एक नई मिसाल आज हमको देखने को मिली, जहाँ हमारे मनोज सिंह जी ठाकुर भाई साहब ने आज दोपहर 4 बजे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब एक महाराष्ट्र से पेशेंट गुजर रहा है और उसको प्रसव पीड़ा चालू हो गई है। हमने जब तक जाकर देखा मरीज को डिलीवरी हो चुकी थी, जैसे तैसे भाई साहब और उनकी टीम ने महिला को और बच्चे को संभाला। तदुपरांत हमारी टीम ने जाकर महिला और बच्चे को प्राइमरी उपचार देकर हॉस्पिटल लेकर आई। अभी भाई साहब की प्रयत्नों से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं और सुबह हम सकुशल बच्चे और माँ की छुट्टी कर देंगे। बस ठीक, देख लो आ जाओ दादा, ठीक है बच्चा आ जाओ, देख लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.